Welcome back in the next unit, that is unit 2, electric current. In previous unit, that is unit 1, we have discussed about the electrostatics. In that chapter, we have discussed about the charge at rest, that is electrostatics. जहाँ हमने सीखा क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ा। पर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट से ही समझ में आ रहा है क्या, दैट इज फ्लो, दैट इज मोशन, करंट मोशन। अब बात कीजिए ध्यान से, अगर यूनिट फर्स्ट को कंपेयर करें तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग जितने भी पॉइंट पढ़े सभी में एक बातें कॉमन थी, चार्ज हर केस में कहा था रेस्ट में। लेकिन जैसे ही यूनिट सेकेंड हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट मतलब फ्लो और फ्लो मतलब मोशन, और मोशन तभी संभव है जब चीजों के पास क्या हो, इनर्जी। तो अब चार्ज को अगर फ्लो करना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है तो इस मोशन के जो भी इफेक्ट होंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर मोशन है चार्ज में तो ये मोशन आएगा, क्योंकि मोशन के लिए जरूरी क्या है, इनर्जी। अगर कोई भी बॉडी, किसी तरह की बॉडी अगर रखी हुई हो, अगर उसको हमें मोशन लाना है तो उस पर लगाना पड़ेगा क्या, इनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा वाटर है, ठीक है ना, वाटर रिवर में फ्लो करता है। अगर रिवर में फ्लो कर रहा है तो बीच में जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो उसको लेकर चला जाए, क्यों, क्योंकि वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और उसी एनर्जी से वो बीच में आए जितने भी पार्टिकल है वो सबको साथ में लेकर चला जाए। तो उसके पास, यानी कि अगर मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी में तो होना चाहिए क्या, इनर्जी। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमें दिख रही है वाटर के पास, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी भी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो अगर हम इसके प्रीवियस जाएं, पीछे जाएं, तो हम देखेंगे क्या कि वाटर को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम, रिवर में डैम बने होते हैं ना जहाँ वाटर को स्टोर किया जाता है डिफरेंट हाइट, जैसे ही वाटर को हम स्टोर करते हैं डिफरेंट हाइट पर तो उसकी क्या बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि हाइट यानी पोजीशन के जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है, चेंज करता है, उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप करता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी वाटर जो स्टोर है उस स्टोर पर बस क्या, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही वाटर को एक साथ वहां छोड़ेंगे हम तो इस वाटर के पास क्या आएगा, वेलोसिटी, रिस्क, काइनेटिक एनर्जी। यानी इसका ऑरिजिन कहीं ना कहीं हमें एनर्जी के कारण ही यहाँ पे हमें मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और फ्लो है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस चार्ज पास काइनेटिक एनर्जी कैसे है, तो इसी चीज को समझने के लिए इस इलेक्ट्रिक करंट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले सीखा कहा, यूनिट फर्स्ट में, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां हमने क्या सीखा कि अगर चार्ज को एक साथ एक जगह पे कंबाइन किया जाए, एक जगह रखा जाए, स्टोर किया जाए, कॉम्पैक्ट किया जाए, तो उसके पास भी एक एनर्जी डेवलप करता है। और आपको पता है कि डिफरेंट चार्ज के कॉन्फिगरेशन को एक साथ अटैच करके एक साथ कॉम्पैक्ट करके रखते हैं तो वहां पर चार्ज के पास एनर्जी डेवलप करता है, जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम मतलब टू और मोर देन टू। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज फ्लो करेगा, यानी जिसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिस वजह से वो मूव करेगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा, चार्ज। और कैसा चार्ज देगा, जब उसको स्टोर किया जाएगा विद पोटेंशियल एनर्जी के साथ। बात समझ में आ रही है। और ये एनर्जी स्टोर हो सकती है कहां, कैपेसिटर। हमने पढ़ा था कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अब अगर चार्ज को कंटिन्यू हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो चार्ज के पास क्या डेवलप करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है तो ये डिवाइस किसी को अपनी एनर्जी सप्लाई या कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम चार्ज को बदल सकते हैं। सिमिलरली ये काम हमारा बैटरी भी कर सकता है। बैटरी के पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। यही केमिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म, और यही एनर्जी सप्लाई करता है किसको, डिफरेंट चीजों को।
यानी हमको जो यहाँ पे ये जो सीखना है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रॉन जब भी चार्ज को फ्लो कराना है तो हमारे पास होना चाहिए एनर्जी सप्लाई करने को लिए सोर्स होना चाहिए। यानी जब तक सोर्स नहीं होगा एनर्जी सप्लाई करने का तब तक हम इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को हमको आगे लेकर बढ़ाना है। चीजें समझ में आ रही है ना, ध्यान से समझिएगा, यही सब कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे माइंड में डेवलप कर जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कैसे करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने सीखा क्या कि एनर्जी नेसेसरी, और इस एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा यूनिट फर्स्ट में, रेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है अब? ध्यान समझिएगा, अब एनर्जी अगर हमने स्टोर कर लिया है तो इस एनर्जी को अब हमें ट्रांसफर करना है। जैसे कैपेसिटर, बैटरी, कैपेसिटी है सभी, दोनों के पास कैपेसिटी है, क्या एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता है इसके अंदर? आप ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए हमारे पास बैटरी रखा हुआ है, इस बैटरी से हम चाहते हैं कि हमारा फैन रन करना शुरू, बैटरी से क्या चाहते हैं फैन रन करना शुरू। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस बैटरी में स्टोर एनर्जी को फैन तक पहुंचाना, ऐसे ही रहेगा हवा में, एयर में। अब इसी एनर्जी को इस बैटरी से फैन में फ्लो कराने के लिए, इसी फ्लो को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करेंट। अब ये फ्लो होगा कैसे, यानी इस एनर्जी को जो बैटरी में उसको कंडक्ट कराना पड़ेगा कहां तक? फैन तक। और एनर्जी को अगर कोई कंडक्ट कर सकता है तो वैसे ही बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। यानी स्टोर एनर्जी कंडक्टर के माध्यम से कहां पहुंचेगा? फैन के पास। और इसी कंडक्टर में जो फ्लो होगा, इसी फ्लो को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट। अब आती है फ्लो करें, अब फ्लो के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हमें तो मिल गया कंडक्टर, कंडक्टर फ्लो कर सकता है। अब कंडक्टर फ्लो कर सकता है तो कंडक्टर में ऐसी क्या चीज है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी तो इस एनर्जी को यहां से लेकर वहां फ्लो कर। तब यहां पे हम सीखेंगे क्या कि आखिर इसके अंदर कोई ना कोई तो कैरियर होना चाहिए जो एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसफर करे। तो जो एनर्जी को बैटरी से फैन तक कन्वर्ट कराएगा, यहां तक उसको कंडक्ट करेगा, वैसे कैरियर को हम लोग बोलेंगे क्या? चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर। एंड ये कैरियर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे, हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में एक्चुअली मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स को कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास कैपेसिटी होता है इस एनर्जी को कंडक्ट करने की। क्यों? क्योंकि ध्यान समझिएगा, इस मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं एटम किससे बना हुआ है, मिले थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है और वो तो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो भी चीजें होती है वो न्यूक्लियर फोर्स जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है, और ये जो मेटल्स होते हैं इस मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म। किसके फॉर्म में होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में रहेंगे तो ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए मेटल्स में जो कंडक्टर इसको हम मान रहे हैं, इस कंडक्टर में जो हमारा चार्ज कैरियर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इसी फ्लो को तो बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। एंड इस ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है कैसा काम कर रहा है? जी चार्ज कैरियर की तरह। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। अब बात करते हैं
चार्ज कैरियर के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात होती है कि जब चार्ज कैरियर के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो कर रहा है वो डेवलप करने के लिए कोई ना कोई मीडियम किसी न किसी से डिजाइन स्ट्रक्चर बना हुआ चाहिए। तो कहता क्या है कि हमने अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, पैच। क्या लगा हुआ है? पैच लगा हुआ है। अब हम बात करें, हमने पढ़ा था इस बैटरी से क्या करता है, ये बैटरी मान लीजिए हमारा फैन सीरीज रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, बीच में क्या लगा हुआ है हमारे पास, एक स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्विच लगा हुआ है। जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करें, क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां से एनर्जी फ्लो होगा और ये एनर्जी फ्लो करते हुए कहां पहुंचेगा, हमारे फैन तक। बात समझ में आ रही? और फैन क्या करेगा, हमारा रन करना शुरू कर देगा। यानी इस एनर्जी को फ्लो करने के लिए एक बात चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हम लोग सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्किट। एंड सर्किट किससे बना होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की, कंडक्टर एंड रेजिस्टर, इन सभी को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सर्किट बनेगा। और इस सर्किट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, इज कॉल्ड करंट। हमने क्या बोला, सर्किट देख लिया, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इस सर्किट को हम ब्रेक कर, क्या कर दिए, सर्किट को ब्रेक कर, तो कैसे हो गया हमारा, अरे अगर सर्किट को हम ब्रेक कर देंगे क्या करंट का फ्लो होगा, क्या एनर्जी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पाथ ब्रेक कर गया। तो इसके आधार पे सर्किट हमारे पास दो तरह का, एक होता है ओपन सर्किट एंड दूसरा होता है क्लोज सर्किट। क्या होता है? ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अगर बात करें हम तो ये सर्किट को अगर हम ब्रेक कर दिए ऐसा कैसा हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। अगर सर्किट ओपन है क्या एनर्जी का फ्लो होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो पाएगा, तो नहीं होगा। यानी ओपन सर्किट में नो करंट। और अगर सर्किट को हम इसे क्लोज कर दें तो क्या करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, क्लोज सर्किट मतलब करंट। हमारे पास सर्किट के अंदर दो साइड होगा, ओपन सर्किट है दूसरा क्लोज सर्किट। और अगर एनर्जी की कंटिन्यू सप्लाई चाहिए यानी कंटिन्यू एनर्जी का फ्लो होना चाहिए तो इसके लिए हमारे पास जरूरी क्या है, क्लोज सर्किट होता है। याद रखिएगा कि क्लोज सर्किट से हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक क्लियर सब बातें, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। आप बताते हैं कितना इलेक्ट्रिक करंट और इधर मैग्नेट अटैच करें उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये कैसे पता करें, आसमान जा रही। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को भेज दिया, स्टूडेंट को भेज दिया, जाओ भाई पता करके आओ कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। गया यहां उसको बैठा, आया कहता सर 5 कूलम चार्ज पास किया सर। दूसरे को बोले भाई तुम जा, उसको भेजा मैं, वो बोला सर 10 कूलम चार्ज लो किया सर। तो व्हाट इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। तो अब कोई 5 कूलम बोल रहा है, कोई 10 कूलम बोल रहा है, हो सकता है ये 5 मिनट रुका हो इसके 5 कूलम चार्ज दिखाओ, ये 10 मिनट रुका हुआ 10 कूलम चार्ज दिखाओ उसको। तो आखिर करेंट बोलेंगे किसको, किस अमाउंट को, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। तो कहता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट उससे द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, और उस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को नोट करते हैं किससे, हम आई से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई। और ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो ये फाइंड करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि हम यहां पे चेक करेंगे कि पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करता है सर्किट से, जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करेंट। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करेंट, आई इज इक्वल टू Q upon T।
और यही अगर काफी स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है स्मॉल टाइम में, तो हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज यूनिट, क्या यूनिट, तो जानते हैं पहले हमने जूनियर सेक्शन में कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है एम्पीयर, क्या होता है करते हैं अगर हमें कभी भी डिफाइन करना हो यूनिट को कि वन एम्पियर करंट किसे बोलेंगे, ध्यान देगा आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्यू अपॉन क्यू, है ना। समझिएगा ये 1 एम्पीयर वैल्यू कब आएगी, जब किसी भी सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कितने देर में, 1 सेकंड। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन 1 सेकंड, then the intensity is called, then the intensity of current is called 1. आप समझ आ रही है, तो डेफिनेशन अगर लिखना हो व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं, फॉर्मूले पे फोकस करता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और वो है I is equal to Q upon T, और इसी I पे तो बोलते हैं 1 एम्पीयर, यानी कि ये I की वैल्यू 1 एम्पीयर कैसे संभव है, तभी संभव है जब हम Q 1 कूलम चार्ज फ्लो करें कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी I is equal to 1 कूलम पर 1 सेकंड, बस इसी को डिफाइन कर देना है, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पीयर, समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। तो सब जानते हैं कि फ्लो, फ्लो के बाद की बात करें हम लोग, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो सब जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन प्लस टू माइनस होता है, फ्लो प्लस टू माइनस, दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्या होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है, हाई टू लो, इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक करंट बस क्या है डायरेक्शन, कहां से कहां, प्लस टू माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पर पूछा जाता है क्या ये स्केलर है या वेक्टर है, तो यह कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर वेक्टर, क्या होगा ये स्केलर हो जाएगा, क्यों, तो ध्यान देना किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, सब जानते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, पर नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है वो होना चाहिए क्या, तो वेक्टर रूल को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर रूल क्या है, तो वेक्टर रूल को जानने के लिए हम देखेंगे अपना प्ले लिस्ट का जो वेक्टर क्वांटिटी का जो चैप्टर बताया पढ़ाया गया है, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आखिर वेक्टर रूल क्या है। सिंपली अगर देखा जाए तो वेक्टर रूल में क्या होता है कि जो भी एडिशन है सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी पढ़ते हैं वो होता है विच डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन चेंज करने से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होती है चेंज कर देता है, एंगल चेंज करने से डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में चेंज होना शुरू, उसी बोलते हम लोग वेक्टर रूल, बात समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम यहां पे गौर करें तो इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कैसे ना, अगर ये वायर है, यह है हमारे पास कोई वायर, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, चलिए
इस वायर से आ रहा है 5 एम्पीयर करंट, क्या है 5 एम्पीयर करंट। मान लीजिए नीचे से एक वायर और आया हुआ है, यहाँ से भी आ रहा है 5 एम्पीयर करंट आ रहा है। सिमिलरली थर्ड वायर यहाँ से निकला हुआ है, बताना है इस थर्ड वायर से कितना करंट निकलेगा। तो सिंपली सी बात है, ये अगर 5 एम्पीयर आ रहा है 5 एम्पीयर यहाँ, दोनों पॉइंट अगर आपस में मिलेंगे तो यहाँ से टोटल करंट कितना निकलेगा 10 एम्पीयर, क्या निकलेगा 10 एम्पीयर करंट। मतलब ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पर इसके मैग्नीट्यूड में इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा, यही चीज अगर यहाँ पे बॉडी रखा हुआ हो और एक लगता हो ऊपर से 5 न्यूटन फोर्स और एक लग रहा हो नीचे से 5 न्यूटन फोर्स, बताइए तो नेट फोर्स कितना होगा, तो ये बॉडी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन चेंज। इसी केस में सोचो, अगर हम नेक्स्ट केस में इसी बॉडी पे एक 5 न्यूटन ऊपर से लगा रहे हैं, दूसरा भी 5 न्यूटन ऊपर से ही लगा दिए, बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, वो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। लेकिन इस केस में आप डायरेक्शन कुछ भी चेंज कर लीजिए, नेट रिजल्टेंट 10 एम्पीयर ही आ रहा है, क्योंकि दोनों इनपुट और एक आउटपुट, बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसमें डायरेक्शन है सिर्फ किस चीज का, तो फ्लो करने का डायरेक्शन, कि प्लस टू माइनस जाएगा, बात समझ में आ रही है, पर इसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन फॉर्मूला, 1 एम्पीयर डेफिनेशन, सर्किट जरूरी है एनर्जी को फ्लो करने के लिए, ऊपर सर्किट है ग्रोथ सर्किट, बस में भी आ गया ना। इसके बाद डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल, प्लस टू माइनस होता है डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी के लिए, बात समझ में आ रही है अब तक। अब बात आपके टाइप्स, क्या था बात टाइप्स, आपके इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स होते, तो सब घर पे सुने ही होंगे एसी एंड डीसी, क्या एसी एंड डीसी, यानी से अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट। अब ये दोनों क्या होता है, एसी करंट एंड डीसी, दोनों देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। क्या किए हम लोग, क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट का वायर था, करंट फ्लो करा था उससे, हमने क्या किया, आदमी को बैठा दिया वहां पर, जो आप बैठ के चेक करते रहो कि करंट कितना फ्लो करा सर, बैठा हुआ था बैठ कर देख रहा है सर कितना करंट फ्लो कर रहा है। कुछ देर बाद आया, कहता सर 5 का 5 चल रहा है, सो चल रहा है सर 5 किलो 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, सो कर रहा है कंटिन्यू। इसका मतलब टाइम के साथ हर बार हर समय पर 5 एम्पीयर करंट ही उसको दिख रहा है सर्किट। तो कहता क्या है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और I की वैल्यू टाइम के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी द करेंट डज नॉट चेंजेज विथ चेंजिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डीसी करंट, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। दूसरी क्या होती है फिर, क्या भाई जा देखा कैसे देख इस सर्किट में क्या है, फिर गया बैठा हुआ है देख रहा है, कैलोरीमीटर चेक कर रहा है, एमीटर चेक कर रहा है, सर्किट को क्या दिखा रहा है करंट, वो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम क्या देख रहे हैं सर्किट में, तो देख रहे हैं जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हाई फिर से फिर हाई फिर लो, यानी बार बार अपने मैग्नीट्यूड को वो चेंज कर रहा है, बात समझ रहे हैं, यानी टाइम के साथ अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो ऐसे सर्किट को, यानी ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एसी, क्या बोलते हैं एसी करंट, यानी रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा एंड मैग्नीट्यूड दोनों बोथ चेंज कर रहा और टाइम के साथ, तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहा है साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में, इलेक्ट्रिक करंट के।
बाकी की इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को पढ़ना है एसी सर्किट के बारे में, इसके बारे में अलग से चैप्टर दिया गया है, इसको बोला गया अल्टरनेटिंग कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली डीसी करंट के बारे में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फुल इंट्रोडक्शन, आखिर इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी, ये सभी चीजें के बारे में हम लोगों ने सीखा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट मन में बैठ जाना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड में क्या रिलेशन है, कैसे कैसे हम सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इसी तरह से कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने देख लिया क्या कि एनर्जी सप्लाई होना स्टार्ट, एनर्जी मिल रहा है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। अब इस एनर्जी का इस चार्ज कैरियर पर क्या है, ये चार्ज कैरियर कैसे एनर्जी को यहाँ से ट्रांसफर करता है, ये जो मोशन करता है वो किस तरह का मोशन होता है, कैसे वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी आती है उसके अंदर, और कितनी वेलोसिटी के कारण उसमें कितना करंट डेवलप करता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।